Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हे मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बताने जा रही हूँ क्यों होते हैं पिंपल्स और क्या है इनका नेचुरल इलाज। मानसून का मौसम दस्तक दे चुका है। इस सीजन जरूरी है कि हम अपनी त्वचा की देखभाल अच्छी तरह करें। तेज हवाएं त्वचा का तेल और नमी सोख लेती हैं। ऐसे में त्वचा को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। इस दौरान मालिश, उबटन और संतुलित आहार के साथ अगर नेचुरल तरीका इस्तेमाल किया जाए तो खूबसूरती बनी रह सकती है। आइए जानते हैं उन विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जो त्वचा को पोषण देकर उसे स्वस्थ बनाते हैं। जरूर अपनाएं विटामिन ए। अपनी त्वचा को रिंकल्स, एक्ने और टैनिंग से बचाने के लिए आप जितनी भी तरह के क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करती हैं, उन सब में विटामिन ए मौजूद होता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इसमें मौजूद रेटिनॉल और नामक तत्व नई स्किन सेल्स बनाने और रंगत निखारने का काम करता है। प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा पीले, नारंगी और लाल रंग के फलों में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। अगर सभी तरह की सब्जियों के साथ पपीता, आम, सेब, अनार, गाजर और चुकंदर जैसे फलों का सेवन किया जाए तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिल जाता है। कोलेजन बनाए विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर विटामिन सी न केवल व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि स्किन की बाहरी लेयर एपिडर्मिस और भीतरी लेयर डर्मिस के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसमें भी कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी कोलेजन नामक तत्व का भी निर्माण करता है जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होता है। इसी वजह से ज्यादातर एंटी एजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। आमतौर पर सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। स्किन को सूर्य की हानिकारक किरणों यूवीए से बचाने के लिए संतरा, स्ट्रॉबेरी, नींबू, मौसमी अंगूर और अनानास जैसे खट्टे फलों का सेवन करना फायदेमंद साबित होता है। यह चोट, खरोंचिया कटने पर त्वचा की हीलिंग में मददगार होता है। रोजमर्रा की डाइट से ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लिए बिना इसका सप्लीमेंट न लें। विटामिन डी की डोज। आमतौर पर लोग इसे हड्डियों की सेहत से जोड़कर देखते हैं, पर इसके साथ ही विटामिन डी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। यह त्वचा की कोशिकाओं के विकास और उनकी मरम्मत का काम करता है। स्किन की ड्राइनेस दूर करने के साथ झुर्रियों और एक्ने से बचाव में भी मददगार होता है। प्रमुख स्रोत यह सूर्य की रोशनी के अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश और ड्राई फ्रूट्स में भी पाया जाता है। अतः स्वस्थ त्वचा और मजबूत हड्डियों के लिए दूध, दही, पनीर, अखरोट, बादाम और फिश को अपनी डाइट में प्रमुखता से शामिल करें। त्वचा का रखवाला विटामिन ई। इसे त्वचा के लिए सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है। इसमें कुछ ऐसे तैलीय तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को रूखेपन से बचाकर उसे स्वाभाविक चमक प्रदान करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ई में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसमें मौजूद एंटी एजिंग तत्व रिंकल्स से बचाव में मददगार होते हैं, इसीलिए हर स्किन केयर प्रोडक्ट में इसे जरूर शामिल किया जाता है। प्रमुख स्रोत बादाम, अखरोट, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स, मकई, सोयाबीन, पालक और ब्रोकली में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगर इन चीजों को डाइट में शामिल किया जाए तो पर्याप्त पोषण मिल जाता है। इसके अधिक सेवन से खून पतला हो जाता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इन्हें भी अपनाएं। ओमेगा रिंग 3 फैटी एसिड भी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में फिश, बादाम, पालक और हरी मेथी को प्रमुखता से शामिल करें। सेलेनियम भी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तरबूज, सीताफल और खरबूजे के बीज में यह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। असली खूबसूरती के लिए स्किन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। यह तभी संभव है जब आप स्वस्थ खानपान अपनाएंगी। हर तरह की सब्जियों और फलों के अलावा बीजों और अनाजों में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी बनाने में मददगार होते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। उस फुल वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।